दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नल फिटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह नल फिटिंग की जाती है, किस तरह शावर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह गीजर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह फ्लश वाल्व का कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमें नल फिटिंग से पहले इस तरह से झीरी करना होती है। हम झीरी जो कटाई का काम होता है ग्लेंडर मशीन से वो हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर हमें शावर के लिए नल के लिए कनेक्शन देना है, तो हमें फिटिंग करने से पहले हमें यहाँ पर सामान देख लेना क्या क्या सामान लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक शावर के लिए, एक नल के लिए और एक गीज़र के लिए यहाँ पे हमारा किचन बनने वाला है, तो इसका पॉइंट भी हमें यहाँ से ले जाना होगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम झीरी काम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास दो झीरी की हमने गीज़र के लिए इनपुट कनेक्शन के लिए, एक आउटपुट कनेक्शन के लिए। दोस्तों इस तरफ हमारा शीट का पॉइंट आने वाला है, यहाँ पर हमें एक फ्लैश वाल के लिए एक नल के लिए कनेक्शन देना होगा। यहाँ पर हमारी शीट फिट होने वाली है। तो चलिए हमने झीरी देख ली हमने किस तरह से किए, अब यहाँ पर इसमें क्या क्या सामान लगने वाला है फिटिंग में वो हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो फिटिंग करने वाले हैं वो सी पी वी सी फिटिंग करने वाले हैं, 1x5 इंच। ये हमारे पास टी है, 1 इंच की टी है, सी पी वी सी टी है। अगर आपको इस तरह से कहीं 3 कनेक्शन ले जाना हो 1 इंच के, तो वहाँ पे हमें इस तरह से टी को लगाना होता है। दोस्तों हमारे पास सी पी वी सी की टी है 1x5 की, हमारी जो मेन लाइन 1 इंच की होती है, नल के कनेक्शन के लिए हमें इस तरह से 1x5 की टी लगाना होती है। जो हमारा कनेक्शन होता है नल का वो मेन 1 इंच का होता है, और पॉइंट जो हमें देना होता है 1.5 इंच का देना होता है। हमें यहाँ पे एक एल्बो भी लगने वाली है, सी पी वी सी एल्बो। ये हमारे पास हाफ बैंड है, कई बार आपको 45 डिग्री अगर बैंड करना हो तो इस तरह से हाफ शेड को लगाना होता है। ये हमारे पास एम टी एस है, ब्रश एम टी एस है। ये हमारे पास कंट्रोल वाल्व है शावर के लिए, यहाँ पर इसके कनेक्शन के लिए हमें एम टी एस लगने वाली है, ब्रश एम टी एस। देख सकते हैं यहाँ पर मार्क निशान दिया, जिस तरह भी हमारा पानी जाता है इस मार्क एक निशान को हमें उस तरफ रखना होता है। दोस्तों और इसके कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से एम टी एस को कसना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एम टी एस ब्रश की है, तो इसका आप जब भी इस तरह से कनेक्शन करें तो पहले आप इसमें केप्लॉन टेप लगा लें। हमारे पास यहाँ पे केप्लॉन है, इस तरह से अगर आप यहाँ पे एम टी एस में केप्लॉन लगा कर कसेंगे तो हमारी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। दोस्तों हमारे पास एक सी पी वी सी 4 इंच एल्बो है, जो भी आज फिटिंग में लगने वाली है। ये हमारे पास ब्रश की एल्बो है दोस्तों, ये भी आज हमें फिटिंग में लगने वाली है। शावर के लिए नल के लिए हमें पानी देना होता है, वहाँ पर हमें इस ब्रश एल्बो को फिट करना होता है। दोस्तों ये हमारे पास पाइप है 4 इंच और 1 इंच का पाइप हमें लगने वाला है सी पी वी सी में। और आप यू पी वी सी फिटिंग करें दोस्तों तो 1 इंच और 1/2 इंच में करना होती है, मगर आप अगर सी पी वी सी फिटिंग करें दोस्तों तो आपको 1 इंच से 4 इंच में करना होती है। ये हमारे पास एक वाल्व है, फ्लश वाल्व, जो आज हमें शीट में लगने वाला है। यहाँ पर इस तरफ हमारी शीट फिट होने वाली है, हम जो फिटिंग करने वाले हैं। ये हमारे पास अगले लेट बात है दोस्तों, तो चलिए हमने सामान देख लिया है, उसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी वो हम सीख लेते हैं। यहाँ पर हमारे एक शावर के लिए, एक नल के लिए पॉइंट देना है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कनेक्शन आने वाले हैं, इस तरह से हमें टी रख के सबसे पहले इसकी नपती करना होगी। आपको नपती सही से करना है, किसी भी आपको छोटा या बड़ा नहीं काटना है पाइप, वरना क्या होगा हमारी लाइन बाकी जा सकती है, अंदर बाहर जा सकती है झीरी से। तो आपको पाइप को पहले सही से रखे इसकी नपती कर लेना, उसकी कटिंग करके आपको सही से सोल्यूशन लगा लेना है। जो हमारी ज़्यादातर लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है वो हम सोल्यूशन सही से नहीं लगा पाते, इसी वजह से होती है। तो आप जब भी फिटिंग करें तो आपको सोल्यूशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपके पाइप इस तरह से टीक अगर क्रॉस में हो, ऊपर नीचे हो, तो आपको पहले सही से देख लेना है कहीं से बाकी ना हो, वरना हमारी जो लाइन है फिटिंग है वो झीरी से बाहर जाएगी और काफ़ी हमें दिक्कत आएगी फर्श वगैरह लगाने में। तो आपको इस तरह से इसकी नपती कर लेना। एक पॉइंट जो हमारी जो टी है वो शावर के लिए, और ये पास में कनेक्शन आने वाला है वो नल के लिए आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक शावर के लिए, एक नल के लिए पॉइंट देना है। हमारी जो मेन लाइन है वो 1 इंच की लाइन है, जो हम कनेक्शन दे रहे हैं वो 4 इंच का दे रहे हैं सी पी वी सी में। तो इस तरह से हमें हमारे 1x4 की टी लगाना है। तो चलिए यहाँ पे इस टी को हम और इसमें फिट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक शावर के लिए, एक नल के लिए 2 कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहीं से आगे की ओर भी हमें कनेक्शन ले आना होगा। अब यहाँ से हमें जो ऊपर की ओर जो यहाँ पे टी लगा रहे हैं, ये हमारे गीज़र के लिए इनपुट कनेक्शन है, ऊपर हमारा गीज़र लगने वाला है। तो यहाँ पर हमें एक 1x4 की एक टी लगाना होगी। अगर आप यू पी वी सी फिटिंग करें दोस्तों तो 1x1/2 में करें, और आप सी पी वी सी फिटिंग करें तो आपको इस तरह से 1x4 में करना होती है, क्योंकि जो सी पी वी सी का 1/2 इंच का जो पाइप का गेज हो जाता है वो काफ़ी कम होता है, तो इसलिए हमें सी पी वी सी में 1x4 में फिटिंग करना होती है। तो इसलिए हमारे पास जो गीज़र के लिए इनपुट का ऊपर की ओर कनेक्शन आने वाला है, उसके लिए हम यहाँ पे रेड्यूसर टी लगा लेते हैं, और यहीं पे हमारा ऊपर की ओर गीज़र लगने वाला है। दोस्तों अब यहीं से आगे की ओर हमें एक एल्बो लगाना होगी, क्योंकि नीचे की ओर हमारा फर्श के ज़रिए एक किचन में पॉइंट जाने वाला है। किचन में भी हमें एक कनेक्शन करना होगा, तो वहाँ पर हमें इस तरह से नीचे की फर्श में से इस पाइप को ले जाना होगा, क्योंकि हमारा जो किचन बना हुआ है वो इस लेट बाथ से काफ़ी दूर बना हुआ है, तो उसके पाइप हमें फ़र्श के ज़रिए ले जाना होंगे। आप अगर इस तरह से फ़र्श में पाइप डालें तो फ़र्श लगने से पहले लाइन को चालू करके चेक कर लें, वरना कई बार क्या होता है हमारे पाइप वगैरह
टूट फूट हो जाती है, उसमें लीकेजिंग होती है, हमें फर्श में काफ़ी दिक्कत आती है दोस्तों। तो अगर आप जब भी फर्श में पाइप फिटिंग करें तो पहले फर्श लगने से पहले टंकी से लाइन को चेक जरूर कर लें। अब यहीं से हमें एक एल्बो इस तरफ भी लगाना होगी नीचे की ओर, यहीं से हमारा कनेक्शन नीचे की ओर जाने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन जाने वाला है फर्श में वो 1.25 इंच का हमें देना होगा, क्योंकि हमारे पास जो किचन में पॉइंट आने वाला है वो सिर्फ एक ही पॉइंट आने वाला है। तो यहाँ से हमें इस लाइन को 1/4 इंच की करना होगी। तो यहाँ पर हमें एक रेडिएटर लगने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से हम पाइप से इस तरह से जॉइन करके इंसुलेशन से चिपका के हमारी जो 1 इंच लाइन है उसको 1.25 इंच करने वाले हैं। हम यहाँ पे पाइप को बिठाने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा लेना है ताकि हमारा इंसुलेशन पूरे पाइप में सही से फिट हो जाए दोस्तों। अब यहीं से एक लाइन हमें नीचे की ओर ले जाना होगी, तो उसके लिए हम कनेक्शन बाद में करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे गीज़र का कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो गीज़र के लिए इनपुट के लिए कनेक्शन कर ले, तो वहाँ पर हमें ब्रश की एल्बो लगने वाली है। यहाँ पे हमें एंगल कॉक लगाना होगा पानी बंद चालू की सप्लाई के लिए गीज़र के लिए। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप आपको लगने वाला है इसकी नपती कर लेना है, जहाँ पर हमें गीज़र लगाना हो उस तरीके से नपती करके हमें ब्रश के एल्बो लगा देना है। आप नल के पॉइंट के लिए, शावर के लिए, जहाँ जहाँ पर भी कनेक्शन करें तो वहाँ पर आपको ब्रश की एल्बो लगाना होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों तरफ सिलेक्शन लगा के इस पाइप को अच्छे से फिट कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारे गीज़र का इनपुट का कनेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें दो कनेक्शन करना होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा शावर के लिए और एक नल के लिए पॉइंट हमें यहाँ पे देना है दोस्तों। हम जो फिटिंग कर रहे हैं वो शादी फिटिंग कर रहे हैं, एक इसमें वाल विक्सर की भी फिटिंग होती है। और आप वाल विक्सर की फिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पूरा फुल बना हुआ है दोस्तों कि वाल विक्सर की फिटिंग किस तरह से की जाती है, उस पर भी हमने आगे वीडियो बनाया है उसके लिए नल फिटिंग किस तरह से की जाती है। और आप वाल विक्सर के लिए नल फिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यहाँ पर चैनल पर जाके आप वाल मिक्सर फिटिंग का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमें जो कनेक्शन कर रहे हैं शावर के लिए, वहाँ पे इस तरह से हमें एक कंसील्ड वाल्व लगाना होगा। उसके कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे MTS लगने वाली है। आपको इस तरह से केप्लॉन टेप लगा के MTS को अच्छे से पानी से टाइट कर देना है ताकि हमारी लाइन कहीं से भी लीकेज ना हो। हम जो कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर इस MTS से करें ब्रश MTS से। तो चलिए, अब यहाँ पे इस कंसील वाल को हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्क का निशान लगा हुआ है। मार्क का निशान आपको ऊपर की ओर रखना है, जिस तरह भी पानी जाता है दोस्तों वहाँ पे आपको मार्क के निशान को रखना है। और इस टी से आपको जितना भी बड़ा पाइप आपको टुकड़ा वाला, आपको कंसील वाल आप जब भी लगाएं तो आपकी सेफ्टी के हिसाब से लगाएं ताकि हमें नल यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से आप इसकी हाइट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ पर हम इस पाइप को चिपका के इस टी में फिट कर लेते हैं। इस कंसील वाल को देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा मेन लाइन में कनेक्शन हो चुका है। अब इस कंसील्ड वाल से हमें ऊपर की ओर एक ब्रश की एल्बो लगाना होगी जिसमें हमारा शावर लगने वाला है। तो यहाँ पे हम जो शावर लगाने वाले हैं वो 7.5 फीट पर लगाने वाले हैं दोस्तों। हमारी जो मिनिमम हाइट होती है वो 7 फीट 7.5 फीट तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से हम एल्बो चिपका के जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है कंसील्ड वाल से हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। आप जब भी फिटिंग करें तो आपको इंसुलेशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है। हम इंसुलेशन सही से नहीं लगा पाते और पाइप को फिट कर देते हैं, इसके बाद जो हम वो फर्श लगाते हैं उसमें हमारी लाइन लीकेज होती है और हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो आपको इंसुलेशन सही से लगाना है पाइप में दोस्तों। अब यहाँ पे इस एक हमें नल के लिए कनेक्शन भी करना होगा। यहाँ पे एक ठंडे के लिए गीज़र के लिए कनेक्शन आने वाला है। ये हमारा जो कनेक्शन आने वाला है मेन लाइन से आने वाला है। तो आपको फर्श से आपको उसकी हाइट देखना है, यहाँ तक हमारा 4 इंच फर्श लगने वाला है। और यहीं से ऊपर की ओर आप इसको आपकी हाइट के हिसाब से आप इसको 2.5 फीट पर रख सकते हैं। और आपको अगर नीचे रखना हो तो 28 इंच पर भी रख सकते हैं इसको, 26 इंच पर भी रख सकते हैं, मगर जो मिनिमम हाइट होती है वो 2.5 फीट होती है दोस्तों। तब जितना भी हमारा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है ब्रश एल्बो की आपको नपती कर लेना है फर्श से। देख सकते हैं यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है इसके हम कटिंग कर लेते हैं। ब्रश एल्बो को इस टी में फिट कर लेते हैं, रेडिएटर टी में दोस्तों। ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो मेन लाइन से कर रहे हैं, टंकी का पानी आने वाला है इसमें हमारा। अब इसके पास हमें एक नल और लगाना होगा गीज़र के लिए। हम जो यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं वो शादी फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों। अब जितनी दूर हमारे यहाँ पर इस तरह ब्रश एल्बो है तो आपको इसकी भी नपती कर लेना है दोस्तों। आपको दोनों को बराबर पर रखना है, वरना फर्श लगने के बाद हमारे जो लाइन है वो सही से नहीं दिखेगी, बाकी दिखेगी। इस तरह से आप जो हमारा जो मेन पाइप आया हुआ नीचे का, इसको आपको दोनों तरफ से नाप लेना है। यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है दोस्तों इसकी नपती कर लेना है। हम जो फिटिंग कर रहे हैं वो गीज़र के आउटपुट फिटिंग है, इसमें हमारा गर्म पानी आने वाला है दोस्तों। इसकी एक फिटिंग और होती है वाल मिक्सर फिटिंग, उस पर भी हमने काफ़ी वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर आप वाल मिक्सर के लिए नल फिटिंग किस तरह से की जाती है सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर आप उसका भी फुल वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर की ओर में एक ब्रश की एल्बो लगने वाली है। ये जो कनेक्शन हमारा आने वाला है वो गीज़र का आउटपुट और कनेक्शन आने वाला है, इससे हमारा गर्म पानी आने वाला है नीचे की ओर।
तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ ब्रश की एल्बो लगाना होगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जितना भी वाला पाइप का टुकड़ा लगने वाला है उसकी कटिंग करके इस ब्रश एल्बो में फिट कर लेते हैं। और इस पाइप को हमने जो नीचे की ओर कनेक्शन किया है वहाँ पर हमें सोल्यूशन लगा के सही से फिट कर लेना है। इसको हमें देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन किस तरह किया है। ये हमारे गीज़र का लिए इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। आप उस एल्बो को सही से देख लेना है कहीं से बाकी ना हो, वरना फर्श वगैरह लगाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो चलिए यहाँ पे हमारा गीज़र के इनपुट के आउटपुट का भी कनेक्शन हो चुका है, शावर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरह से हम ब्रेंजी मार के इस पाइप को थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि हमारी जो लाइन है वो झीरी वगैरह से बाहर ना आए। अब यहाँ से आगे की ओर हमें स्टी को लगाना होगा। यहाँ पर हमारा एक नल के लिए कनेक्शन आने वाला है और यहीं से आगे की ओर इस तरह हमें फ्लश वाल्व के लिए कनेक्शन देना होगा। ये जो हमारा कनेक्शन आने वाला है वो शीट हमारी जो टॉयलेट शीट फिटिंग है उसके लिए हमें एक नल के लिए भी पॉइंट देना होता है और एक फ्लश वाल्व के लिए कनेक्शन देना होता है। तो यहाँ पे हमें एक रेडिएटर टी लगने वाली है। इस तरफ यहाँ पे हमें ब्रश की एल्बो लगाना होगी नीचे की ओर। तो हम जब भी शीट फिट करेंगे उसके हिसाब से हाइट के हिसाब से हमें लगाना होती है। यहाँ तक हमारी शीट आने वाली है 14 इंची पे। शीट का कोई सी शीट 14 इंची की होती है, कोई सी 15 इंची की होती है। तो यहाँ पे आप इस तरह से आपको इसकी हाइट देख के यहाँ पे ब्रश एल्बो को लगा देना है। आपको जो शीट की हमारी हाइट आने वाली है वो 14 से 15 इंच आने वाली है और ऊपर की ओर हमें जो नल लगाने वाले हैं वो 15 इंच पर लगाने वाले हैं ताकि हमें बाल्टी वगैरह जो भी हम बर्तन वगैरह रखें तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत ना आए यूज़ करने में। आपको इस एल्बो के मुँह को सही से रखना है। अब नीचे को यहीं से हमारा फ्लश वाल्व के लिए कनेक्शन आने वाला है। हम जो फ्लश वाल्व के लिए कनेक्शन करते हैं वो हमें 1 इंच का करना होता है क्योंकि हमें जो फ्लश का वाल्व आता है वो 1 इंच कनेक्शन का होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच की एल्बो लगने वाली है, CPVC एल्बो नीचे की ओर। अब यहाँ पे जब भी हम टॉयलेट शीट को फिट करेंगे तो इस एल्बो से हम फ्लश वाल्व का कनेक्शन करके टॉयलेट शीट को फिट कर सकते हैं दोस्तों। हम फ्लश वाल्व का कनेक्शन हम जब भी शीट फिट करेंगे तब हमें उसके हाइट के हिसाब से करना होगा। चलिए यहाँ पे हम एक एल्बो को फिट कर लेते हैं नीचे की ओर। ये जो हमारा कनेक्शन जाने वाला है हमारी टंकी काफ़ी दूर बनी हुई है दोस्तों, तो उसका कनेक्शन हमें यहाँ से नीचे की ओर बाहर की ओर ले जाना होगा। ये जो हमारा कनेक्शन हम कर रहे हैं वो मेन टंकी का, यहीं से हमारा टंकी में बाथरूम में पानी आने वाला है क्योंकि हमारी जो टंकी बनी हुई है काफ़ी दूर बनी हुई है। तो उसका पाइप हमें फर्श से ही ले जाना होगा क्योंकि ऊपर की ओर हमारे जो मकान बना हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है। आप जब भी इस तरह से मेन लाइन को ले जाएँ तो इस तरह से नीचे की ओर ना ले जाएँ। हमारे पास यहाँ पे कोई जगह नहीं है पाइप ले जाने की, इसलिए हम यहाँ पे नीचे की फर्श की ओर ले जा रहे हैं। आप अगर इस तरह से टंकी में कनेक्शन ले जाएँ तो बाहर की ओर से ऊपर की ओर ही ले जाएँ, सीधे टी को ऊपर की ओर कनेक्शन ले जाके दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हमारी नल फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे फिटिंग देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से गीजर के लिए कनेक्शन किस तरह किया है, कंसील्ड वाल के लिए, शावर के लिए कनेक्शन किस तरह किया है। चलिए हम समझ लेते हैं हमने फिटिंग यहाँ पे किस तरह की है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो मेन लाइन हुई है, यहाँ पे हमने रेडिएटर टी लगा के ऊपर की ओर गीजर का कनेक्शन किया है इनपुट कनेक्शन। इस तरफ हमारे यहाँ पे गीज़र का ठंडा पानी आने वाला है और यहीं से आउटपुट होके गीज़र के लिए हमारे यहाँ पे गर्म पानी इस तरफ नल में आने वाला है। यहाँ पे हमारे गीज़र के लिए गर्म पानी आने वाला है और यहीं से हमने दो एल्बो लगा के रेडिएटर लगा के नीचे की ओर फिटिंग की है। यहीं से हमें एक बाहर की ओर एक बेसिन लगाना होगा इस तरफ। यहाँ पर हमारा एक बेसिन का पानी आने वाला है और यहीं से इसी टी से हमें आगे की ओर किचन में एक फर्श के लिए पानी ले आना होगा। फर्श में से हमारे पानी ले आने वाला है। यहाँ पर इस तरह से हमने एक रेडिएटर टी लगा के एक कंसील्ड वाल का कनेक्शन किया है, 2 MTS लगा के शावर के लिए पानी पंचालों के लिए यहाँ पे हमारा शावर में पानी आने वाला है। और यहीं से आगे को हमने एक रेडिएटर टी लगा के दोस्तों एक नल के लिए पॉइंट के लिए कनेक्शन किया गया है। यहाँ पे हमें एक नल लगाना होगा जिसमें हमारे बाथरूम में हम पानी यूज़ करने वाले हैं। और यहीं से आगे की ओर हमने एक रेडिएटर टी लगा के एक टॉयलेट शीट फिटिंग के लिए यहाँ पे हमारी शीट फिट होने वाली है दोस्तों। उसके लिए यहाँ पे हमने एक नल के लिए पॉइंट दिया है और यहीं से एक एल्बो लगा के हमारा जो वाल्व आने वाला है फ्लश वाल्व, उसके लिए हमें यहाँ पे फर्श में से कनेक्शन करना होगा शीट में। तो चलिए आज के स्टूडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया नल फिटिंग किस तरह से की जाती है, प्लम्बिंग काम किस तरह किया जाता है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक का, प्लम्बिंग का, हाउस वायरिंग का, नल फिटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग का, टॉयलेट शीट फिटिंग, प्लम्बिंग के, HWR पाइप फिटिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।